पाकिस्तान तो वैसे ही उस दौड़ से बाहर है कि इंडिया और चाइना और यूएसए, तो इंडिया के अंदर वो मुझे नजर आ रहा है स्टांस के आने वाले वक्त में इंडिया का जो सितारा। Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel खतीजा मेहरान रिएक्शन, इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान आसिफ। नाज़रीन जिस तरह इस वक्त इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, चाइना उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और साथ ही साथ में अमेरिका जिस तो पहले ही सुपर पावर है। अब देखना यह है कि 2040 के अंदर 2040 के अंदर कौन सुपर पावर होगा उस वक्त की, क्या अमेरिका होगा, क्या इंडिया होगा कि चाइना होगा। लेकिन इंडिया के लिए एक बड़ी ही आई थिंक खुशाइन बात है, बड़ी खुश है, खुशी की खबर है कि इंडिया को कंसिडर किया जा रहा है अमेरिका, चाइना और इंडिया। तो इंडिया अभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो चुका है। लेकिन एक अरसा है 2040 तक, 2040 तक, तो तब तक देखते हैं कि कौन जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है, क्या अमेरिका, क्या इंडिया या चाइना। सो उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उसे वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन आए हमारे साथ इस वीडियो को रिएक्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन कंट्रीज के बारे में जो कि रूल करेंगी इस दुनिया में आज से 20 से 30 साल बाद। पिछले 3-4 सालों में दुनिया में बहुत सी चीजें बदल गई हैं और पावर बहुत चेंजेस आए हैं दुनिया में। तो आखिरकार ये अगले 30 साल किस देश की किस्मत बदलेंगे और कौन से होंगे वो देश जो रूल करेंगे इस दुनिया में फ्यूचर में, जानते हैं आज के मौजूदा हालातों को देखते हुए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स ग्लोबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। कौन से होंगे वो देश जो रूल करेंगे, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि कौन से होंगे फ्यूचर के सुपर पावर। लेकिन एक सुपर पावर देश होता कौन सा है, एक ऐसा कंट्री जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो, मिलिट्री उसकी काफी स्ट्रांग हो, उसका इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज पे हो, दुनिया में उसका एक दबदबा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज अमेरिका, जिसकी इकॉनमी और मिलिट्री काफी स्ट्रांग है। अमेरिका का क्या कल्चर है मुझे नहीं पता, क्योंकि इंडियन कल्चर जैसा कोई एक पर्टिकुलर कल्चर वहाँ आपको नहीं मिलेगा। स्टिल अमेरिका या वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है। लेकिन क्या अमेरिका एक इकलौती सुपर पावर रहेगी फ्यूचर में? आंसर है नहीं। एक टाइम हुआ करता था जब ब्रिटेन दुनिया की इकलौती सुपर पावर थी और कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी नहीं डूबेगा। खैर, डूब तो गया। उसी तरह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। कई ऐसे देश खड़े होने लगेंगे जो कि अमेरिका को उसके मुंह के सामने चैलेंज करेंगे, क्योंकि अमेरिका आज अपने इकलौते सुपर पावर स्टेटस को धीरे धीरे खोने लगा है। तो क्या आज से 20, 25, 30 साल बाद अमेरिका सुपर पावर की लिस्ट में नहीं होगा? इसका आंसर है होगा, लेकिन इकलौता नहीं होगा। हिस्ट्री में अमेरिका को सुपर पावर बनाने में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन साथ ही इनके लीडर्स का काफी अच्छा रोल रहा है। इसीलिए आज अमेरिकन डॉलर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया चलाता है और इसी के बदौलत टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, मिलिट्री, इन सब में अमेरिका आज नंबर एक पर है। लेकिन अमेरिका के पास आज एक चीज की कमी है, एक काफी स्ट्रॉन्ग लीडर की, जो कि इन्हें कुछ पास्ट में मिले थे, जो वापस ये इंश्योर कर सकते हैं कि अमेरिका दुनिया में फिर से वापस एक मजबूत पकड़ बनाए। आज भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस वैसे पूरी दुनिया में है। कई ऐसे देश हैं जो ब्लाइंडली अमेरिका को फॉलो करते हैं और अमेरिका कुछ गलत नहीं कर रहा कि बोला जाए कि ये कंट्री का स्टेटस फ्यूचर में इस वजह से गिरेगा। लेकिन कुछ कंट्रीज अमेरिका के मुकाबले बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, जैसे चाइना, सुपर पावर बनने का दम रखने वाला सबसे तगड़ा कैंडिडेट। अमेरिका के बाद यही कंट्री है जिसकी जीडीपी सबसे स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है, दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स है और पिछले लगभग 40 सालों से देर-दरार मेहनत कर रहा था चाइना अपने स्टेटस तक पहुंचने के लिए। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, एक हेयरपिन से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक चाइना सब बनाता है। और इसीलिए 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस वो टक्कर अमेरिका को कभी नहीं दे पाया जो उससे पहले सोवियत यूनियन दिया
करता था, लेकिन आज चाइना से वेस्टर्न वर्ल्ड की पट्टी पड़ी है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जिस पे चाइना एक्ट करना भूल गया? तो हाँ, एक चीज है और वो है जियोपॉलिटिक्स या कंट्रीज के साथ रिलेशंस। चाइना का मैक्सिमम कंट्रीज के साथ 36 का आंकड़ा है, वो चाहे फिर अमेरिका हो, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हो, इवन अपने बगल में कंट्रीज जैसे हम खुद इंडिया, ताइवान, जापान के साथ भी चाइना का लफड़ा है। और ये एक ऐसी चीज है जो चाइना को कहीं ना कहीं पीछे धकेलती है। अमेरिका ने कुछ समय पहले चाइना की कुछ चीजों को बैन कर दिया था, और जो भी सॉफ्ट पावर आज है दुनिया में अमेरिका की, उसका देखते हुए कई और कंट्रीज भी ऐसे स्टेप्स उठाते हैं कि चाइना की कंपनीज या उनकी चीजों को बैन कर दे। अभी पैंडेमिक के बाद में, यानी जब कोरोना चाइना से निकला था, तब क्योंकि मैक्सिमम चीजें चाइना में ही बनती थी, जिस वजह से सप्लाई चेन चीजों का काफी हद तक इफेक्ट हुआ, जिससे कंपनीज को भी ये समझ में आया कि एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट रहना समझदारी भरा डिसीजन नहीं है। इसलिए कई कंपनीज उस वक्त चाइना से एग्जिट कर गई दूसरी जगहों के लिए, और अभी भी आने वाले समय में धीरे धीरे कुछ कंपनीज चाइना से एग्जिट करती रहेंगी। खैर, आज चाइना के पास खुद की ही इतनी कंपनीज और इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है कि चाइना इस चीज को कंपनसेट कर लेगा, लेकिन अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे करेगा जो आज भी चाइना के काफी खराब है मैक्सिमम कंट्रीज के साथ। और इसमें मैक्सिमम गलती एक्चुअली चाइना की ही है, क्योंकि अपनी कंट्री को एक्सपेंड करने का बुखार जो उसके सर पे चढ़ा है, वही चीज उसके रिलेशंस लगभग सब कंट्रीज के साथ खराब करता है, और इसका फायदा फिर हर कोई उठाता है। जैसे जैसे हमारा क्वाड अलायंस ही देख लो, जिसमें इंडिया और जापान दो एशियाई कंट्रीज है, और क्वाड अलायंस को अगर मैं ये बोलूं कि इसमें चाइना के अगेंस्ट भी बात होती है तो ये गलत थोड़ी है। और अभी शायद चाइना कोशिश कर सकता है ताइवान पे भी इन्वेट करने का, जैसे हमारे पुतिन भाई साहब ने यूक्रेन को इन्वेट कर दिया। वैसे अगर ऐसा हुआ तो चाइना के रिलेशंस कंट्रीज के साथ और ज्यादा खराब होने तय है, और जैसा स्टांस अमेरिका का रशियन यूक्रेन वॉर में रहा, तो बहुत चांसेस हैं कि सेम स्टांस अमेरिका का चाइना ताइवान के लिए भी रहेगा, कि शायद फोर्सेस नहीं भेज के वो सिर्फ सैंक्शन लगाएगा, क्योंकि चाइना अमेरिका दोनों ही न्यूक्लियर पावर है, और इसमें फायदा किसका होगा? ह्यूमैनिटी के तर्ज पे किसी का नहीं, लेकिन वैसे शायद थोड़ा बहुत भारत का, क्योंकि एक और कैंडिडेट है सुपर पावर बनने के लिए। लेकिन भारत पे जाए उससे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसी कंट्री की जो कि क्वाड का ही मेंबर है, जी हाँ, जापान। और जापान अगर फ्यूचर में सुपर पावर बना तो शायद किसी कंट्री को कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक छोटा सा आइलैंड कंट्री होने के बावजूद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान। टेक्नोलॉजी आज हम भले ही 2022 में चल रहे हो, लेकिन जापान टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा से ही दुनिया से 10 साल आगे रहा है। बात करें सॉफ्ट पावर या कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स की, तो जापान के पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया में सिंगापुर के साथ पहले नंबर पर है, और शायद जापान आज दुनिया में सुपर पावर भी होता अगर वर्ल्ड वॉर टू ने जापान को नहीं सुलाया होता। ये वही जापान है जिसने वर्ल्ड वॉर टू में उस समय की वेस्टर्न सुपर पावर्स को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन यही चीज असल में आज जापान की सॉफ्ट पावर का कारण भी है। आज जापान की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका का काफी इन्फ्लुएंस है, जो होना भी है क्योंकि चाइना का एग्रेशन जापान के लिए भी वैसा ही है। साथ ही जापान मिलिट्री वाइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है, बस जो यही चीज जापान को एक सुपर पावर बनने से रोकती है। जापान शायद एक ऐसा कंट्री जिसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसे जल्द ही फ्यूचर में किसी भी कंट्री के साथ वॉर के लिए जाना पड़े, लेकिन मिलिट्री पावर कंट्री की जरूरत होती है। और इसी तरह से जापान का एक और अलाय भी है जो भी दावेदार है फ्यूचर में सुपर पावर के स्टेटस का, और वो है भारत। ये आपने बहुत बारी सुना होगा कि भारत फ्यूचर सुपर पावर बन सकता है, लेकिन क्यों? भारत स्टिल एक डेवलपिंग नेशन है, ये बात सच है। भले ही आपको बुरी लगे कि जिन तीन कंट्रीज का मैंने यहाँ पे नाम लिया, यानी अमेरिका, चाइना और जापान, भारत यानी इंडिया इनमें से सबसे कम डेवलप्ड है, तो फिर फ्यूचर सुपर पावर कैसे? देखो, ये सुपर पावर स्टेटस हमें इतने आसानी से तो नहीं मिलेगा। शायद इन सब कंट्रीज के मुकाबले भारत को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पहला फायदा जो हमारे पास है वो है हमारी सॉफ्ट पावर। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके रिलेशंस लगभग सभी कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, भले ही वो अमेरिका हो, जापान हो, इवन रूस हो। चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाओ ट्रेड, चीजों का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह से इकोनॉमी वाइज इंडिया एक काफी तेजी से ग्रो करती इकोनॉमी है। और इसके अलावा एक और चीज जिसका फायदा इंडिया के पास है वो है ह्यूमन रिसोर्स। जैसे जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी होने लगी है, क्योंकि बूढ़े लोगों की संख्या जापान में काफी ज्यादा है। ठीक ऐसे ही चाइना में लोग हैं, लेकिन चीप रिसोर्स नहीं है जो एक टाइम पे हुआ करता था, जबकि इंडिया के
पास ह्यूमन वर्कफोर्स भी है और चीप वर्कफोर्स है, यानी परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि कंपनीज को चाहिए होता है। मिलिट्री वाइज इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जरूर है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से वेपन्स काफी सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं। वैसे मेक इन इंडिया की वजह से हम काफी कुछ इंडिया के अंदर भी बना रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश यहाँ अभी भी है। और कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको तो मैं हर वीडियो में इंक्लूड करता ही हूँ, क्योंकि इंडिया को एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये पहली चीज है जो की देश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। और जहाँ तक बात है इन्फ्लुएंस की, तो वो भी इंडिया का है वर्ल्ड फोरम पे। अपने कल्चर के दम पे इवन कई बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस है, काफी बड़ी कंट्रीज में बड़े पॉलिटिकल लेवल्स पे इंडियंस है, जिसकी वजह से एक अच्छी इमेज क्रिएट करने में ये चीजें काफी मदद करती हैं। तो मतलब चीजें सॉर्टेड है, मिलिट्री पावर भी है, इकोनॉमिकल पावर भी है, टेक्नोलॉजिकल पावर भी है और सॉफ्ट पावर भी है। तो हाँ, लेकिन हमें सब में अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए, इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब में। और इसीलिए भारत एक कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट जरूर है फ्यूचर सुपर पावर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम भारत को लगेगा। शायद हमसे पहले चाइना सुपर पावर बन सकता है अगर वो अपने एग्रेशन को सुधारता है तो, क्योंकि इंडिया को खुद को इम्प्रूव करने में टाइम जरूर लगने वाला है, लेकिन पोटेंशियल जरूर है भारत में। बस देखना ये है कि कब तक हम अपना 100% अचीव कर पाते हैं। तो आपको इन कंट्रीज के अलावा क्या कोई ऐसी कंट्री दिखती है जो कि इकोनॉमिकली, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी वाइज से अपने इन्फ्लुएंस के दम पे फ्यूचर सुपर पावर बनने का दम रखती है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। क्या कहती हैं खदीजा? मैं यार, पहली बात तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और दूसरी बात ये, जहाँ तक बात है चाइना की, तो आई थिंक चाइना जो भी है, चाइना अपने दम पे है। चाइना ने किसी से मदद नहीं ली है। साथ ही साथ जापान की बात की जाए, तो जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी का वाकया हुआ था, उसके बाद कोई भी मुल्क इतनी जल्दी स्टेबल नहीं होता जितनी जल्दी उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। इंडिया की बात की जाए, इंडिया में पॉवर्टी रेट अभी है, क्योंकि चाइना ये ऐसे मुल्क है, हमने एक वीडियो में पहले भी रेट किया था कि उन्होंने कहा था कि इंडिया किसी की मदद से आगे आ सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट में, मतलब अमेरिका के साथ बिजनेस करके, ट्रेड करके वो आगे आ सकता है। बट चाइना, जापान ये ऐसे मुल्क नहीं हैं, इन्होंने जो किया अपने दम पर किया। और नो डाउट अमेरिका, फिलहाल तो अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन कंपटीशन तो रहता है। बात यह है कि देखें, जापान वो एक कंपटीटर के तौर पर भी है, चाइना उसने उसके पास इकोनॉमी भी है, उसके पास वो मिलिट्री भी है, और उसके पास वर्कफोर्स भी है। और उसके बाद अगर कोई देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बंदा जो नज़र आता है वो इंडिया मार्केट के अंदर नज़र आता है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह से अपग्रेडेशन हो रही है उसकी, और दूसरी जानब अगर आप देखें तो उसकी जियोपॉलिटिक्स भी, वो रशिया के साथ भी है, वो यूएसए के साथ भी है, वो यूके के साथ भी है, चाइना के साथ भी। हाँ, उसकी चाइना और पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी हद तक कुछ खराबियाँ हैं, लेकिन ओवरऑल जो रशिया और यूएसए और जितनी भी आलमी ताकतें हैं, जिसमें जापान भी हो गई, ये सारे, वो तो उनका उनके साथ जो है वो अच्छा एक अलायंस है। तो ये बात तो ठीक है कि क्योंकि कौमें जो, या आप सुपर पावर्स बनते हैं वो जल्दी तो नहीं बनते, और आज से तकरीबन 20 साल के अरसे में अगर आप देखें तो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं आगे आपको सुपर पावर की तरफ लेके जाती, उसके लिए और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जिस तरह ये इमरान खान साहब भी कहते हैं कि एक विजन के तहत चीज़ चलती है, और इंडिया के पास वो विजन है, इंडिया ने अपना विजन सेट कर लिया है, इंडिया एक विजन के मुताबिक चलता है, कि उसमें अगर सरकारें बदलती भी रहें तो वो जो उनका मकसद है वो नहीं पता, वो नहीं पता, वो उसी पे चलता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरह से हो रहा है, तो हम तो वैसे उस दौड़ से बाहर है, हम पाकिस्तान तो वैसे ही उस दौड़ से बाहर है कि इंडिया और चाइना और यूएसए, तो इंडिया के अंदर वो मुझे नजर आ रहा है स्टांस के आने वाले वक्त में इंडिया का जो सितारा है वो चमक सकता है। इंडिया ने जितने कम टाइम में तरक्की की तरफ गया है, बेशक चाइना ने तो शुरू से मेहनत की, उनके तो एक इंसान ने मेहनत की है, लेकिन जब इंडिया एकदम ग्रो कर रहा है तो आने वाले 20 सालों में वो कहां से कहां जा सकता है? मेहनत फिर भी है, मेहनत में यह है कि वो जितना ज्यादा ऊपर जा सकते हैं उतना, लेकिन ये है कि अगर किसी को 10% मेहनत करनी पड़ेगी तो वहां इंडिया को 50% करनी पड़ेगी। सो ये जो मेहनत हार्डवर्किंग की रेशो है इसी के तहत, क्योंकि इंडिया में पहले ही अभी अंडर डेवलपिंग है, और दूसरे डेवलप कंट्रीज को अगर टक्कर देना चाहते हैं तो फिर आपको उससे ज्यादा बड़े लेवल पे आके काम करना होगा। कहूंगी कि अगर 2040 तक इंडिया नहीं बन सकता तो 2060 तक इंडिया इजीली
नहीं बन सकता है आने वाले, आप अगर देखो तो वो तो बहुत आगे जाएगा, वो इन कंट्रीज को बीट कर सकता है सिर्फ मेहनत से। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 40 और 60 और 80, ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि उस वक्त तक, क्योंकि 20 सालों में बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत से नए लोग, क्या क्या पता अमेरिका आज जो यहाँ पे खड़ा हुआ उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए जहाँ पे। सो ये तो है, वक्त पे डिपेंड करता है, और एक प्रेडिक्शन की जा सकती है, और उस प्रेडिक्शन के तहत अगर चाइना और यूएसए की दौड़ के अंदर किसी और मुल्क को अगर हक हासिल है उस लाइन में आने का, तो इंडिया को आई थिंक हम कह सकते हैं। आपकी इंडिया का एक पॉजिटिव पॉइंट मेरा बहुत है कि उनके सारे अमेरिकन कंपनीज के काफ़ी सीईओ इंडियंस हैं। हाँ, वो नहीं, अमेरिकन कंपनी अमेरिका के साथ ही तो हमारा कंट्री वो है कंपटीशन है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नो इशू, वो इससे नहीं फर्क पड़ता। अगर कंपनीज के ऑनर जो हैं वो अमेरिका से हों तो ये सीईओ क्या कर लेंगे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उनकी अपनी जाती इकोनॉमी से कि वो किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। सो आपको ये वीडियो किस तरह से लगी, आप इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लास्टली बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में हमें फॉलो कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।